हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो को पर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, उस वीडियो का टाइटल है, वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस यूके कंपैरिजन। कंपैरिजन। तो अच्छा, दो कंट्रीज का कंपैरिजन है। यूके अंग्रेजों का मुल्क है जो कि इंडिया से निकल के गया था, और उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान को अलग कर गया। और जाते जाते खैर, वीडियो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कुछ कंपैरिजन ऐसे है और देखते कंपैरिजन हैं। है। देखो, अगर हम लोग एक तरतीब से बात करें कि यूके जो है एक बहुत प्रॉपर प्री प्लान्ड प्लेन कंट्री है, कंट्री जिसको जिसके अंदर जंगें वगैरह कम हुई, उन्होंने हमेशा बाहर के कंट्रीज़ में जाकर अपनी फ़ाइट्स वगैरह की हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जंगें बहुत हुई हैं, मतलब ये सारा का हाँ सारा जो बरेसगीर था, ये जो एरिया था, इसमें बहुत ज़्यादा जंगें हुई हैं। तो खैर, देखते हैं कंपैरिजन में कुछ ऐसे फिगर्स होंगे जो कि इंडिया के आगे होंगे, और हाँ कुछ ऐसे फिगर्स होंगे मुझे लगता है कि जिसमें ज्यादा इंडिया की तरफ हो क्योंकि स्ट्रगलिंग था फिगर्स। ना। हाँ, हाँ तो लेकिन अभी फिगर्स जो है ना चेंज है। चलो लेट्स गो, देखते हैं देखते हैं क्या वीडियो है। में, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मिला सकता लेट्स गो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल पर। आज हम कंपेयर करने वाले हैं भारत और यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम को। यूनाइटेड वैसे ये दोनों देश किंगडम। अपनी अपनी खासियतों के लिए जाने जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपैरिजन को। और सबसे पहले बात करते हैं दोनों देशों की लोकेशन की। तो भारत दक्षिण एशिया में स्थित है, और इसका एरिया लगभग 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। वही यूनाइटेड किंगडम पश्चिम यूरोप में स्थित है, और इसका एरिया लगभग 2,43,610 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि भारत के एरिया से लगभग 14 गुना छोटा है। वही पॉपुलेशन की बात करें तो भारत की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके मुकाबले यूनाइटेड किंगडम की जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है, जो भारत की जनसंख्या से करीब बिल्कुल 21 गुना कम है। बहुत अब बात कम। हो इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें नए एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं और मेट्रो नेटवर्क शामिल हैं। भारत के पास 67 लाख किलोमीटर का सड़क, 137 ऑपरेशनल एयरपोर्ट, 70,000 किलोमीटर का रेलवे, 945 किलोमीटर का मेट्रो रेलवे नेटवर्क है। वहीं यूनाइटेड किंगडम में 4 लाख किलोमीटर का सड़क, 329 ऑपरेशनल एयरपोर्ट, 16,000 किलोमीटर का रेलवे और लगभग 450 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क है। अच्छा, अभी ये चीज़ें नोटिस की हैं। देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी भी यहाँ पर फिगर्स की, रोड्स की, लेकिन बात यही आ जाती है कि वो कंट्री यूके बहुत छोटा है और इंडिया बहुत इंडिया बड़ा है। बहुत बड़ा है और और मेट्रो का देखा जाए तो मेट्रो भी सबसे बड़ा ही, मेट्रो के अंदर मतलब हाफ है, हाफ है। मतलब हाफ फिगर से भी ज़्यादा है मेट्रो उसके पास, इंडिया के पास ज़्यादा है। हालांकि इंडिया इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहा स्ट्रगल कर है रहा है इस इंडिया, वजह लेकिन से। लेकिन इंडिया बहुत सारी चीजों में आगे है। मेरे ख्याल से जीडीपी भी इंडिया की इससे बात ज्यादा करें है। दोनों देशों की राजधानी की, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जो एक प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र है। वही यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है, लंदन जो है। ग्लोबल फाइनेंशियल और कल्चरल हब के रूप में प्रसिद्ध है। और क्या आप जानते हैं कि कुछ ही समय पहले ही भारत लगभग हाँ 4 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ यूके को ही पीछे कर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है। वही यूनाइटेड किंगडम लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ। ये देखो ना, यूके यूके छठे नंबर पे है, और इंडिया जो है ना तकरीबन 4 बिलियन डॉलर्स तो की, पाकिस्तान फोर किस लिस्ट में? ट्रिलियंस की। पाकिस्तान पाकिस्तान तो लिस्ट में ही नहीं है, पाकिस्तान तो इसके 50 की लिस्ट में होना होना है, चाहिए तो किसी का होना छठे चाहिए। स्थान पर है। वैसे बात हो पर कैपिटा इनकम की, तो भारत में प्रति व्यक्ति आय 2,731 डॉलर के करीब है, जबकि यूके में पर कैपिटा इनकम लगभग 51,000 डॉलर है, जो दर्शाता है कि यूके में औसत आय भारत से काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्योंकि है। यूके एक डेवलप्ड देश है। वही भारत एक अब एक डेवलपिंग यानी स्ट्रगलिंग कि फेज विकासशील में। देश है, हाँ, कर इसलिए रहा है यूके जो में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भारत से काफी बेहतर है। साथ ही बात हो करेंसी की, तो एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की वैल्यू भारत के 110 रुपए के करीब है। वहीं एक्सपोर्ट्स के मामले में यूके 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। वहीं भारत करीब 770 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स के साथ इस मामले में यूके से थोड़ा पीछे है। बात हो देखे, यहाँ पर कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिनमें यूके आगे है, और वो ऐसे फिगर्स हैं, वो ऐसी चीजों में आगे है जिनमें एक एक्चुअल में एक कंट्री को आगे होना होना चाहिए। चाहिए वही ना। जीडीपी में इंडिया निकल चुका है आगे, बहुत सारी चीजों में इंडिया निकल चुका है, लेकिन ये कि इतनी बड़ी, इतने बड़े लोगों को एक साथ लेके, उनके पास तो टोटल 7 करोड़ लोग हैं,
और इधर भी देखो ना, इंडिया के पास 146 करोड़। दोनों देशों के कल्चर की तो भारत की संस्कृति बेहद समृद्ध है, जिसमें योग, नृत्य, संगीत और विविध त्योहार शामिल है। वहीं ब्रिटिश संस्कृति में शाही परिवार, क्रिकेट, फुटबॉल प्रमुख हैं। वहीं बात करें भाषा की तो भारत में हिंदी और अंग्रेजी मुख्य भाषाएं हैं, जबकि यूनाइटेड किंगडम में मुख्य भाषा अंग्रेजी है। वैसे भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों ही अपनी अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ये दोनों देश अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं और उनके पास अद्वितीय विशेषताएं हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद, दोनों की अगर हिस्ट्री की बात करें तो दोनों की हिस्ट्री एक साथ ही चलती आ रही है। मतलब यूके की बहुत पुरानी है, मतलब बहुत ही ज्यादा पुरानी है, लेकिन इंडिया भी पुराना नहीं है, सॉरी नया नहीं है, इंडिया भी बहुत पुराना है। और ये वाला एरिया, इसके अंदर रहने वाले लोगों की स्ट्रगल, वो भी बहुत, मतलब ठीक चल रही थी, लेकिन अंग्रेज़ों के आने से पहले तक अंग्रेज़ों ने तो आके ऐसा गुलाम बनाया ना, ऐसा गुलाम बनाया कि आज तक मतलब उस चीज़ से निकले नहीं, निकल रहे हैं लेकिन टाइम लग रहा है। लेकिन इंडिया तो अपने अंदर जो कॉलोनियल सिस्टम था उसको तो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान इस चीज़ में अभी तक स्टिल फंसा हुआ है कॉलोनियल सिस्टम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को इंडिया के अंदर तो लास्ट ईयर ही मेरे ख्याल से जितने भी कैंट्स वगैरह थे, आर्मी की छावनियाँ वगैरह जो होती हैं वो बनी हुई होती हैं, तो वो सारी ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो आज भी किसी भी बड़े सिटी के अंदर चले जाए तो हम लोगों को वही कॉलोनियल सिस्टम मिलता है, और उसी तरीके से आर्मी हर बड़े सिटी के अंदर बैठी हुई है। हालांकि देखा जाए तो कोई काम मकसद होता नहीं है आर्मी का कि आप बड़े सिटीज़ के अंदर बैठे हैं, आपकी आपकी अलग जगहें होती हैं, ठीक है, कॉलोनीज बना के बैठे हुए हैं, एक अलग दुनिया बना के बैठे हुए हैं। तो ये कॉलोनी सिस्टम जो है ना, ये इंडिया ने अपना खत्म किया है, तो तभी ग्रो कर पाए ना। पाकिस्तान जब खत्म करेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी ग्रो करेगा, लेकिन ये है कि इंडिया ने अच्छा किया था, टाइम से ही खत्म कर दी ये चीजें, और इसीलिए इनका इनकी ग्रोथ भी तेजी से ग्रो कर रहा है। खैर, वीडियो इंटरेस्टिंग थी, आप लोगों का इससे रिलेटेड जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।